के वोटिंग अमन अमान दे नाल संपन्न हो गई, पर अजे भी बहुत सारिया अजिहिया घटनावां सामने आ रही ने जो प्रशासनिक प्रबंधा अते चोण कमिशन ते सवालिया निशान लगाउंदियां ने। ताज़ा मामला लुधियाणा दे नाल जुड़िया होया है, जिथे सिमरनजीत सिंह बैंस दे एक समर्थक ने वोट पाउंदे समय ईवीएम दी वीडियो बना ली अते फिर इस वीडियो नू सिमरनजीत सिंह बैंस ने अपने पेज ते शेयर कर दिता, जिसनू शरेआम चोण कमीशन वजों जारी कीतियां हदायतां दी उलंघना दस्या जा रहा है। तुसी भी वेखो ए वीडियो। हदायतां हुंदियां ने कि कोई भी व्यक्ति वोटिंग पाउण समय अपने नाल मोबाइल फोन जां होर कोई डिवाइस नहीं ले जा सकता, पर इस दे बावजूद सिमरजीत सिंह बैंस दे एक समर्थक ने ईवीएम दी वीडियो बनाई अते इस नूं सिमरजीत बैंस दे फेसबुक ते सांझा कीता। इत्थे ही बस नहीं, सिमरजीत बैंस ने इस वीडियो ते लिखिया, साडे वर्कर हौसले दे नाल वोटां लैटर बॉक्स दे हक विच पा के पार्टी दे हाथ मजबूत कर रहे ने, तुसी भी आपो अपने बूथां दी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स दे विच दस सकदे हो। इस वीडियो दे सामने आउंदिया ही विरोधियां वल्लों चोण कमीशन दी कारगुजारी ते सवालिया निशान लगाए जा रहे ने कि आखिर वोटां पाउंदे समय ईवीएम दी वीडियो किवें बनाई जा सकती है, जबकि अंदर मोबाइल जाण ते पूर्ण पाबंदी हुंदी है। दस दईए कि सिमरजीत सिंह बैंस दा मुख मुकाबला कांग्रेसी उम्मीदवार कमलजीत सिंह कड़वल दे नाल मन्या जा रहा है। चोण प्रचार दौरान दोवां दे समर्थकां विचाले हिंसक झड़प हो गई सी, जिस विच गोलियां तक चल गईयां सन। हुण जदों बैंस दे पेज ते ईवीएम दी वीडियो सामने आई है तां देखना होवेगा कि चोण कमीशन वल्लों इस मामले विच की कारवाई कीती जांदी है।